हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम बेबी गर्ल के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा पंजाबी सूट बनाना सिखाऊंगी एंड इसके साथ ही में हम अफ़गानी सलवार बनाएंगे। सो गाइस, इसके लिए देखिए हमने ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है। सो एम्ब्रॉयडरी की गई है इस पर वाइट सेट से एंड गाइस यहाँ पर इसका इनर का लाइनिंग फैब्रिक लिया है हमने। सो ये देखिए, हमने सैटन फैब्रिक लिया है इसकी अफ़गानी सलवार बनाने के लिए। सो सबसे पहले हम कुर्ती कटिंग करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर सलवार बनाएंगे। सो गाइज, चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली गाइज, यहाँ पर हमने फैब्रिक को डबल कर रखा है, देन अगेन फोर फोल्ड करेंगे हम। सो ये देखिए, हमने इसको चार बार घड़ी कर रखा है। सो ऑर्गेन्जा फैब्रिक के गाइज ये, एंड एम्ब्रॉयडरी की गई है इस पर, बहुत ही ब्यूटीफुल से फ्लावर्स है और इसी की वाइट सेट से हम इसकी बॉटम डिज़ाइन करेंगे। सो गाइज, सबसे पहले फोर फोल्डेड करने के बाद हमने लंबाई रखी इसकी 25 इंच एंड 2 इंचेस एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए बढ़ा लिया है, तो 27 इंच हो गया है। शोल्डर्स के लिए मैं मार्क करूँगी 5.5 इंचेस पर एंड जितना शोल्डर्स लिया उतना ही आर्मोल्स के लिए मार्क करूँगी 5.5 पर। सो यहाँ से नॉर्मली हम राउंड शेप दे देंगे इसको, जिस तरह से कुर्ती की कटिंग होती वैसे ही हमने गोलाई से शेप दिया है। सो गाइज, यहाँ से ऊपर से हमने इसकी 11 इंचेस पर मार्क कर लेना है चेस्ट के लिए, एंड सॉरी सेंटर पर हमने कमर का निशान लगा लिया है 12 इंच पर, एंड हिप के लिए मैंने यहाँ पर 15 इंचेस पर निशान लगाया है। सो ये देखिए गाइस, जहाँ से हमने सेंटर पर मार्क किया 12 इंचेस पर कमर का, उसका फुल मेज़रमेंट कर लेंगे। सो वो है यहाँ पर 7 इंचेस सिलाई मार्जिन ऐड करते हुए हमने लगाया है, एंड हिप का हमने 8 इंच पर मार्क किया है गाइस सिलाई मार्जिन ऐड करते हुए, करीब 1.5 से 2 इंचेस हमने सिलाई मार्जिन ऐड किया है इस पर। अब यहाँ से इसको शेप दे देंगे हम इस तरह से, ये देखिए, एंड अगेन यहाँ से हम इसको जो चौक वाला एरिया है बॉटम का, उसकी जो लेंथ रखी है हमने यहाँ पर 9 इंचेस रखी है। सो गाइज, ये देखिए, यहाँ से इस तरह से हमने मार्क कर लिया इसको, देन मार्क करने के बाद कटिंग करेंगे। कटिंग हो चुकी है गाइज, ये देखिए बहुत ही इजी तरीके से, एंड अगेन हमने यहाँ पर इसका लाइनिंग का फैब्रिक रख लेना है फोल्डेड करते हुए। सो गाइज, ये देखिए, हमने यहाँ पर इसको बराबर तरह से बिछा कर रख लिया है फोर फोल्ड कर, एंड अगेन फोर फोल्डेड करने के बाद हम यहाँ पर इसको ऊपर रखेंगे इस तरह से, ये देखिए, एंड इसी के बराबर में हमने यहाँ पर कटिंग कर लेना है। सो गाइज, इनर फैब्रिक की जो हमने लेंथ रखी है वो करीब 3 से 4 इंचेस कम रखी है, देख लीजिए, एंड यहाँ पर कटिंग कर लेंगे इसकी। सो गाइज, ये देखिए, हमने इसकी भी कटिंग कर ली है, देन अगेन हमने नेक को कट कर लेना है। सो गाइज, हम यहाँ पर स्टर्न पट्टी कॉलर नेक बनाएंगे। सो इसके लिए देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर इसको अच्छे से बिछा लेंगे, एंड अगेन इसको लाइनिंग एंड फैब्रिक दोनों साथ में रखने के बाद बराबर कर रखेंगे, ये देखिए। सो गाइज, यहाँ पर नेक की जो लंबाई रखेंगे वो रखेंगे हम 2.5 इंच। सो 2.5 इंचेस पर मार्क करूँगी मैं लंबाई का, एंड गहराई के लिए जो डिपनेस है उसके लिए भी 2.5 इंच पर मार्क करूँगी। तो ये देखिए, यहाँ से मिला लेंगे इसको एंड राउंड शेप दे देंगे। सो गाइज, ये देखिए, यहाँ पर राउंड शेप देने के बाद हम कटिंग करेंगे। सो बेबीज के लिए हमने 2.5 इंचेस पर ही नेक कटिंग करना होता है, नहीं तो उसका गला ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो ये देखिए गाइज, ये हमने 2.5 इंचेस की मार्किंग करते हुए नेक कट किया है, एंड हमने 1/2 इंचेस की फ्रंट आर्मोल्स की भी डिपनेस दे देना है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने कटिंग कर ली आर्मोल्स की भी। सो गाइज, यहाँ पर हमने नेक बनाने के लिए 5 इंचेस पर कट करना है। सो ये देखिए, जो पट्टी होगी यहाँ पर हमारा ब्लैकेट बनेगा वो यहाँ पर 5 इंचेस का बनाएंगे हम। सो 5 इंचेस पर हमने कट लगा लेना है। सो ये देखिए गाइज, यहाँ पर इस तरह से हमने कट कर लिया है इस नेक को। इसको ओपन कर दिखाती हूँ मैं, ये देखिए 2.5 इंचेस की डिपनेस रखी है, ज़्यादा नहीं रखना है आपको, याद रहे। सो गाइज, ये देखिए, कट करने के बाद हमने इसका बैक वाला जो पार्ट है उसकी भी कटिंग कर लेना है। सो इसको हम इसी तरह से रखेंगे, लाइनिंग वाला फैब्रिक रखेंगे पहले, देन अगेन उसके बाद हमने जो मैन ऑर्गेन्जा फैब्रिक है उसको रख लेना है। सो इसे भी अच्छे से बिछा लेंगे हम एंड सेंटर से डबल कर लेंगे। सो गाइज, बैक वाले पार्ट का नेक हमने 1 इंचेस की गहराई पर कटिंग कर लेना है। सो गाइज, इसकी जो लंबाई है वो तो हम 2.5 इंच ही रखेंगे, जितनी कि हमने फ्रंट वाले पार्ट पर रखी है। ये देखिए, 2.5 इंचेस की हमने लंबाई रखी है एंड गहराई 1 इंचेस रखी है 1 इंच। सो गाइज, ज़्यादा नहीं रखना आपको, कम भी नहीं रखना है। सो 1 इंचेस की ही गहराई रखी है हमने इस तरह से, ये देखिए। इसे भी ओपन कर दिखाती हूँ मैं, ये देखिए, यहाँ पर कुछ इस तरह से नेक कटिंग किया है। चलिए अभी स्टिचिंग कर लेते हैं हम यहाँ पर इसकी। सो गाइज, ये वाला फ्रंट वाला पार्ट है। सो हमने 2 पट्टियाँ ले ली, एक ऑर्गेन्जा फैब्रिक की एंड एक लाइनिंग फैब्रिक की। सो ये देखिए, यहाँ पर इस तरह से हम ओपन करेंगे इसको। सो गाइज, उल्टी साइड से हम ये पट्टी को स्टिच करेंगे। सबसे पहले ब्लैकेट बनाएंगे, उसके बाद हम इस पर कॉलर चढ़ाएंगे। सो गाइज, ये देखिए, यहाँ पर सबसे पहले उल्टा करेंगे हम इसको, बैक साइड पर पलट लेंगे, एंड ये जो पट्टी हमने लाइनिंग वाले फैब्रिक की उसे हम पहले स्टिच करेंगे, जो ऑर्गेन्जा वाली वो ऊपर की साइड रहेगी।
पहले हम ये वाली साइड पर रखेंगे, इसको ये देखिए लाइनिंग वाली जो फैब्रिक की पट्टी है उसे हमने रखा है। उसकी चौड़ाई करीब हमने 2 इंचेस रखी है, हाँ 2 से 2.5 इंच रखी है गाइज। एंड हमने यहाँ पर कट लगा लिया है सेंटर पर। सो गाइज इस पर 1 पैर की स्टिचिंग करेंगे हम, सीधे सीधे सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल सीधा ही स्टिच कर लेना हमने और कुछ नहीं करना है। जहाँ तक हमारा कट है वहाँ तक हमने सिलाई लगा ली एंड धागा कट करेंगे। फिर इसको सीधा पलटेंगे हम यहाँ पर, ये देखिए पलटने के बाद हमने ये वाला जो मार्जन है सिलाई का उसको इस तरफ रख लेना है यहाँ पर, ये देखिए। सो डबल फोल्डेड करेंगे हम इसको अच्छे से मिलाते हुए, एंड जितनी भी चौड़ी आपको पट्टी रखना उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फोल्ड कर लीजिए। सो गाइस ये देखिए फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। सो गाइस ये देखिए डबल फोल्डेड कर लिया, देन अगेन हम इसको बिल्कुल सीधा सीधा स्टिच करेंगे, ये देखिए गाइस। देन अगेन यहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे, ये देखिए यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कटिंग कर लिया हमने। देन अगेन फिर से उल्टी तरफ पलट लेंगे हम इसको, एंड जो ऑर्गेंजा वाली पट्टी रखी है हमने उसे रखना है। सो उसे भी हम उसी प्रोसेसिंग से स्टिच कर लेंगे गाइस, यहाँ पर सीधी सीधी सिलाई लगा कर जैसे हमने वो वाली पट्टी लगाई थी। सो गाइस स्टिच करने के बाद हमने इसको सीधी तरफ पलट लिया है, एंड पलटने के बाद हम यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। सो ये देखिए गाइस यहाँ पर इस तरह से स्टिचिंग कर लेंगे हम, सीधी सीधी इसको भी डबल फोल्डेड कर लिया, इसके किनारे पर सिलाई लगाएंगे हम। सो जितना भी सिलाई मार्जन है वो हमने अंदर की तरफ रखा है, पट्टी की जिस तरफ फोल्डेड की है हमने उस तरफ सिलाई का अंदर वाला जो मार्जन है उसे रखा है। देन अगेन गाइस यहाँ पर ये देखिए जितना भी ये नीचे वाला पार्ट है उसे अच्छे से कवर कर लेंगे हम, इसके नीचे लगा लेंगे बराबर तरह से, अलग नहीं जाना चाहिए ताकि फिनिशिंग नहीं आएगी गाइस। बहुत ही अच्छे से हमने इसको बैठा लेना है यहाँ पर, एंड सीधे सीधे स्टिचिंग कर लेना है। सो गाइज ये देखिए यहाँ पर इस तरह से अच्छे से कवर कर लिया हमने, नीचे वाला जो पार्ट है जितना भी उसे बाहर की तरफ नहीं दिखाना है, केवल इस पट्टी के अंदर ही रखना है। तो ये देखिए हम सीधी सीधी सिलाई लगाते हुए इसको स्टिच करेंगे, सारा फैब्रिक हमने अंदर से अच्छे से कवर कर लिया है। एंड यहाँ सेंटर पर हम इसको वी शेप दे देंगे, आप चाहो तो चौकट भी रख सकते हैं एंड वी शेप भी बना सकते हैं। सो हमने वी शेप बनाया है यहाँ पर इस तरह से फोल्ड कर कर। सो ये देखिए घुमा लेंगे हम इस तरह से फुट को एंड स्टिच कर लेंगे। सो करीब यहाँ से 2 से 2.5 इंच हमने ऊपर की तरफ सीधी सिलाई लगा लेना है गाइस, ये देखिए यहाँ तक। एंड सिलाई लगाने के बाद हम ये तरफ पलट लेंगे, इसको 2 से 3 बार लॉक कर देंगे, ये देखिए। सो बहुत ही फिनिशिंग से बनकर ब्लैक हेड रेडी हो गया है गाइस, ये देखिए। एंड ये एक्स्ट्रा पट्टी है ऊपर से उसको कट कर लेना हमने। सो अब यहाँ पर हम नेक बनाएंगे, कॉलर लगाएंगे गाइज, ये देखिए इस तरह से कम्प्लीटली बहुत ही फिनिशिंग से बन गई है ये ब्लैक हेड। सो गाइज कॉलर बनाने के लिए हमने सबसे पहले इसका जो बैक वाला पार्ट है उस शोल्डर अटैच कर लेना हमने, यानी कि कंधी ज्वाइन करना है। कंधी ज्वाइन करने के बाद में गाइज हम स्टिच करेंगे कॉलर। सो कॉलर की कटिंग कर लेना हमने यहाँ पर। सो गाइज सबसे पहले हमने इसको बराबर कर लेना है, बराबर करने के बाद इसका मेज़र करेंगे हम। सो जितना भी मेज़रमेंट होगा, सो ये देखिए यहाँ पर 8 इंच इसका जो लंबाई है वो आई है। सो हमने एक बुकरम लिया है उसको डबल कर कर रखा है। डबल करने के बाद हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है इस तरह से, ये देखिए। एंड नेक की जो लंबाई थी वो 8 इंचेस पर मार्क करेंगे हम, एंड नेक की जो गहराई रखी थी वो 2.5 इंच थी, 2.5 इंचेस पर मार्क करेंगे। यहाँ से 1 इंचेस हमने इस तरह से रख लेना है, एंड राउंड स्केल की हेल्प से हम इसको मार्क करेंगे यहाँ से, जहाँ से हमने 2.5 इंचेस का निशान लगाया है, ये देखिए। एंड अगेन गाइज यहाँ से 1 इंचेस की चौड़ाई रखनी है हमने कॉलर की। सो मार्क कर लेना इस तरह से, एंड यहाँ से राउंड शेप दे देना, आप चाहो तो सीधा भी रख सकते हैं। सो गाइज ये देखिए इस तरह से हम राउंड शेप देते हुए इसको मार्क कर लिया है 1 इंचेस की चौड़ाई पर। देन अगेन कॉलर की कटिंग कर लेना है हमें। सो गाइज बेसिकली इस तरह से जहाँ पर हमने मार्किंग की थी कॉलर की, उसी प्रोसेसिंग से हमने कटिंग कर ली कॉलर की, ये देखिए ओपन करेंगे हम। सो गाइज ये देखिए अब यहाँ पर ऑर्गेन्जा फैब्रिक रखा हमने, उसके बाद लाइनिंग फैब्रिक रखा, उसके बाद हम ये कॉलर रखेंगे। सो गाइज जो कॉलर की बाहर वाली साइड है वहाँ पर हमने ये इस तरह से पट्टी को स्टिच कर लेना है। सो जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कटिंग कर लेंगे हम, एंड एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रखेंगे जितना भी हमें सिलाई के लिए चाहिए, बाकी का सारा कट कर लेंगे। अब यहाँ से स्टिचिंग कर लेना हमने, ये देखिए जो पट्टी एक्स्ट्रा रखी है सिलाई मार्जिन की उस पर सिलाई लगानी, यहाँ से फोल्डेड करते रहेंगे हम। सो गाइज जी कॉलर का बाहर वाला एरिया, जो अंदर वाला ग्राउंड शेप वाला एरिया है उस पर हमने सिलाई नहीं लगाई, ये वाली साइड है, ये देखिए जो बाहर वाला गोलाई वाला शेप है उस तरफ हमने सिलाई से इसको स्टिच किया है। सो यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद गाइज ये देखिए हमने फिर से लाइनिंग का फैब्रिक रख लेना है। अब यहाँ से हमने इस तरह से गोलाई वाला शेप है यहाँ से स्टिचिंग कर लेना है, जो हमारा राउंड शेप अंदर की तरफ है वहाँ पर।
अब यहाँ पे हमने स्टिचिंग कर लेना। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे हम एंड ये वाली तरफ उतार लेंगे। अब यहाँ से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है जितना भी सारा कट कर देना हमने एंड ये वाली साइड भी हम सिलाई मार्जिन के लिए जितना फैब्रिक चाहिए उतना ही रखेंगे, बाकी का कट कर देंगे। तो ये देखिए गाइस कट कर लिया हमने यहाँ पर इस फैब्रिक को। अब इसमें छोटे छोटे कट लगा लेंगे ये अच्छे से फोल्ड हो सके। सो गाइस यहाँ पर ये वाला लाइनिंग फैब्रिक वो अंदर की तरफ रखेंगे हम एंड जो हमने डबल ऑर्गेंजा फैब्रिक पर लगाया वो फ्रंट बाहर रखेंगे हम, तो दिखेगा अच्छे से कुर्ती पर। सो गाइस इसको सीधा करने के बाद हम आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद कम्प्लीटली ये देखिए अच्छे से कॉलर बैठ गई है। अब इसके सेंटर पर हम कट लगाएंगे यहाँ पर एंड ऐसा ही कट हमने कुर्ती पर भी लगाया है गाइस। ये देखिए कुर्ती की बैक साइड वाले नेक पर हमने कट लगा लिया है ताकि अच्छे से सेंटर मिल सके और कॉलर हमारी अच्छे से बैठ जाए। सो गाइस उल्टी तरफ रखा हमने कुर्ती को। अब यहाँ से हमने जितना सिलाई मार्जिन छोड़ा था उस पर हम सिलाई लगाएंगे। सो ये उल्टी तरफ से ही स्टिच होती है गाइस। ये देखिए इस तरह से हम इसको जितना सिलाई मार्जिन छोड़ा है कपड़ा हमने उसी के अकॉर्डिंग हम इस पर सिलाई लगाएंगे। ये सेंटर वाला पार्ट है, दोनों पार्ट हमारे जो कट लगाए थे वो अच्छे से मिल चुके हैं ताकि हमारी कॉलर अच्छे से बैठ जाए। यहाँ पर बड़ी साइज़ नहीं होगी और ना ही छोटी होगी। सो कम्प्लीटली गाइज यहाँ पर ये देखिए कॉलर अच्छे से बैठ गई है। अब इसको हमने सीधा किया है फ्रंट साइड पर एंड सीधी साइड पलटने के बाद हमने इसको ये देखिए यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। जो हमारा सिलाई वाला मार्जिन है उसी के ऊपर सिलाई लगाएंगे हम। सो गाइज ये देखिए कुछ भी मिस्टेक नहीं आई है इसमें, ना ही सल आए हैं, बहुत ही फिनिशिंग से कॉलर बनकर स्टिच हो चुकी है ये देखिए। देन अगेन धागे को कट कर लेना हमने। ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा हमारा ब्लैक कट बन गया है एंड कॉलर भी रेडी हो गई है। अब इस पर आप हुक या बटन वगैरह जो भी लगाना चाहते हो वो लगा के स्टिच कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग से कॉलर रेडी हो गई है गाइस। देन अगेन हमने स्लीव्स की कटिंग कर लेना है। सो गाइस यहाँ पर हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। सो गाइस अब यहाँ पर हमें आस्तीन कट कर लेना है। सो गाइस स्लीव्स कटिंग करने के लिए देखिए हमने फैब्रिक को सबसे पहले फोर फोल्डेड कर लेना अच्छे से बिछा कर। सो गाइस ये देखिए हमने चार बार इसको घड़ी कर कर रखा है। देन अगेन यहाँ पर इसकी लंबाई का मेजरमेंट करेंगे। सो लंबाई रखेंगे यहाँ पर 12 इंच स्लीव्स की हम एंड 12 इंच रखने के बाद हमने आर्मोल्स पर 5.5 पर मार्किंग की थी एंड डिपनेस के लिए हम 2 इंचेस पर मार्क कर लेंगे। सो 5.5 के बाद हमने यहाँ पर मार्किंग कर लिया है। इसको गोलाई से शेप देते हुए एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन हमने 2 इंचेस रखा है एंड बॉटम की जो लंबाई रखी है गोलाई वो 5 इंचेस पर रखी हमने एंड इसको मार्क कर लिया हमने राउंड शेप देते हुए यहाँ से। देन अगेन हमने इसकी कटिंग कर लेना है गाइस। सो गाइस बॉटम की जो गोलाई हमने रखी वो 5 इंच रखी है। सो गाइस ये देखिए यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। सो ये देखिए गाइस स्लीव्स कटिंग हो चुकी है। देन अगेन सेंटर पर हम एक कट लगाएंगे। यहाँ पर कट लगाने के बाद इसको ओपन करेंगे हम सेंटर से। ये देखिए अब यहाँ से हम 1/2 इंचेस की डीपनेस रख लेंगे जो फ्रंट आर्मोल्स में होती है। फिर ये देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से गोलाई दे दी है 1/2 इंचेस की एंड यहाँ पर भी हम कट लगाएंगे। सो गाइस चलिए अब स्लीव्स की स्टिचिंग कर लेते हैं। तो डिज़ाइनर स्लीव्स बनाएंगे हम। सो गाइस हमने सबसे पहले यहाँ पर डोरी बना ली है। ये देखिए इसकी डोरियाँ बनाई है हमने, नॉर्मली जो डोरी होती है वैसे ही कम्प्लीट कर ली है बनाकर। देन अगेन स्लीव्स रखना हमने सब स्लीव्स के बॉटम वाले पार्ट स्लीव्स को डबल करके फोल्ड कर लिया है गाइस एंड ये हमने पाइपिंग बनाई है। इसके बाद गाइस यहां पर हमने ये जो डोरी रखी है उसको इस तरह करेंगे, इस तरह से तिरछा एंड यहां पर हम सिलाई लगाएंगे। सो गाइस ये देखिए तिरछा इस तरह रखा है हमने एंड सीधी सीधी इसको स्टिचिंग कर लेंगे। जिस तरह से हमने डोरी रखी है उसके ऊपर ऊपर सिलाई से इसको यहाँ पर अटैच्ड कर देंगे फैब्रिक के ऊपर। सो स्टिच होने के बाद सेम इसी प्रोसेसिंग से हमने सेकेंड वाली डोरी स्टिच कर लेना है। सो हमने इसके डिस्टेंस रखी है, दूरी यानी कि सेंटर पर वो रखी है 2 इंचेस। सो 2 इंचेस की गैपिंग देते हुए हमने यहाँ पर स्टिच कर रही है सेकेंड वाली डोरी। सो गाइस ये देखिए इसको भी हमने यहाँ पर तिरछा स्टिच कर लिया है कम्प्लीट। सो गाइस केवल 2 डोरी लगाएंगे हम यहाँ पर। अब ये वाली साइड से हम स्टिच करेंगे डोरी को। सो गाइस इसे भी हम तिरछा तिरछा यहाँ से स्टिच कर लेंगे एंड इसका जो क्रॉस वाला एरिया है वो सेंटर पर आना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ से इस तरह से हम क्रॉस करते हुए डोरी स्टिच कर लेंगे। एंड गाइज आप चाहो तो 3 डोरीज भी लगा सकते हैं यहाँ पर एंड 2 भी लगा सकते हैं, जितनी आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग एंड स्लीव्स की लंबाई हो उसके अकॉर्डिंग। सो गाइज सेकेंड वाली जो पार्ट है हमारा डोरी का उसे भी हमने यहाँ पर इसी तरह से कम्प्लीटली स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए गाइज यहाँ पर इस तरह से हमने क्रॉस करते हुए डोरी स्टिच कर ली है 2 ये वाली साइड एंड वो वाली साइड पर भी। कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पर ये सेंटर वाला पार्ट है गाइस, यहाँ पर हम डोरी स्टिच करेंगे। सो ये देखिए हमने इस तरह से लटकन लगाई है, नॉर्मली लटकन होती है वैसे ही हमने स्टिच की है एंड यहाँ पर हम इसको बटरफ्लाई टाइप सा शेप देंगे, ये देखिए नॉट टाइप सा एंड इसको डायरेक्टली हम अटैच्ड कर देंगे यहाँ पर।
तो ये देखिए गाइज इस तरह से स्टिच हो चुकी लॉक कर दिया हमने एंड धागा कट करेंगे। इसी की तरह हमने दोनों स्लीव्स कंप्लीट कर लेना है। सो गाइज ये देखिए यहाँ पर इस तरह से ये कंप्लीट हो चुकी है स्लीव्स एंड दोनों स्लीव्स हमने इसी तरह से रेडी कर ली यहाँ पर। अब इसको हम स्टिच कर लेंगे गाइज। सो गाइज इसे हमने आर्मोल्स पर स्टिच कर लेना है। सो गाइज स्लीव स्टिच करने के बाद स्लीव स्टिच करने के लिए जो हमने यहाँ पर सेंटर पर कट लगाया था वो वाला पार्ट हम यहाँ पर मिला लेंगे। सेंटर पर जहाँ कंधी ज्वाइन की है हमने वहाँ पर रखेंगे हम स्लीव्स को इस तरह से सेंटर वाला एरिया। सो अच्छे से देख लीजिए आप ये सेंटर पर ही आएगा। इसे मिलाते हुए हम इसको गोलाई से स्टिच कर लेंगे। सो राउंडली हम इसको स्टिच कर लेंगे गाइज। जो नॉर्मली स्लीव्स होती है वैसे ही हम इसको स्टिच कर रेडी कर लेंगे यहाँ पर। एंड गाइज इसी के अकॉर्डिंग हमने दोनों स्लीव्स कम्प्लीटली यहाँ पर रेडी कर देना है। सो ये देखिए गाइज दोनों स्लीव स्टिच हो चुकी है। देन अगेन स्टिच करने के बाद में हम इसको उल्टी तरफ पलट लेंगे यहाँ पर। ये देखिए इसे उल्टा कर रखेंगे हम। एंड यहाँ पर हमने फिटिंग की सिलाई लगानी है। सो जो भी आपकी फिटिंग हो उसके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सिलाई लगा लीजिए। सो गाइज ये देखिए यहाँ पर इस तरह से दोनों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर स्लीव्स पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। सो कम्प्लीटली हम इसको रेडी करेंगे। सो गाइज ये देखिए सिलाई लगा ली हमने। सिलाई लगाने के बाद में हम इसके जो बॉटम वाला एरिया है उसको डबल फोल्डेड करते हुए हम चारों तरफ से फोल्डेड करेंगे। ये देखिए पहले हाफ फोल्डिंग करेंगे एंड ऐसे हम चारों तरफ कुर्ती को वन टाइम स्टिच कर लेंगे। जैसे नॉर्मली कुर्ती होती वैसे ही हम इसको कंप्लीट करेंगे। एंड इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ मैं स्टिच करने के बाद कि किस तरह से इसका लुक आया एंड पहनने के बाद बहुत ही सुंदर लगेगी ये कुर्ती गाइज। सो ये देखिए गाइज इसका फाइनल लुक बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है गाइज ये। एंड पहनने के बाद तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। एंड इसके साथ में ही आपको इसकी सलवार भी बताऊंगी मैं सिलना। सो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी। सो आप जाकर देख लेना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताएं एंड वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आती रहे। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।